इस्लाम में शरीयत में न्यू ईयर मनाना जायज नहीं है, फिर भी अक्सर मुसलमानों को बड़े जोरों शोरों से इस किस्म की चीजें न्यू ईयर, क्रिसमस, हैलोवीन, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये वो सारे यहूदी फेस्टिवल्स मनाते हुए लोगों को देखा जाता है। किसी का फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए मना लेते हैं, तो किसी को बस रीजन चाहिए कुछ भी हराम गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस करने का। ये गैर जरूरी रीजंस इन यहूदी कामों के लिए अच्छे से ढूंढ लेते हैं लोग। एक मुसलमान को सिर्फ दो ही फेस्टिवल्स मनाने की इजाजत है और वो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इनके अलावा कोई भी फीस्ट या फेस्टिवल मनाना जायज नहीं है, कुफर है। दूसरे मजहब की मुशाबहत करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, और जो कोई भी मुसलमान दूसरे मजहब की मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से है। इसी तरह किसी को इन फीस्ट्स और फेस्टिवल्स की मुबारकबादी, ग्रीटिंग्स या पोस्ट कार्ड्स देने की भी इजाजत नहीं है इस्लाम में। बर्थडेज, न्यू ईयर्स, क्रिसमस, हैलोवीन, ईस्टर्स, दिवाली, दशहरा, ये वो जो भी हो, हमें इजाजत नहीं है, अलाउड नहीं है विश करना। अगर आप विश करते हो तो इस तरह आप नौजुबिल्ला गवाही देते हो कि अल्लाह ताला ने नौजुबिल्ला बेटा जना है। तो न्यू ईयर या कुछ भी गैर इस्लामी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो दूर, विश भी ना करें, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें। अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम पर चलने की नेक हिदायत, नेक तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।